न्यूबॉर्न बेबीज, इज इट क्लियर? या जो टीनेजर, टीनेजर को भी हुआ हो सकता है, बोल सकते हैं कि उनकी पॉकेट मनी कम हो गई, या उनके पॉकेट मनी मिलना कुछ टाइम के लिए बंद हो गया, या उनको उतनी पॉकेट मनी नहीं मिल पाती. सो सबसे पहले हमें पॉपुलेशन डिफाइन करना पड़ेगा. तो जहां पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को मैं छोटे छोटे ग्रुप्स या क्लस्टर में डिवाइड कर देता हूँ, ऐसी सैंपलिंग को हम क्या कहेंगे? क्लस्टर सैंपलिंग. जैसे पूरे इंडिया को मैंने पहले डिवाइड किया स्टेट्स में, फिर स्टेट को किसमें डिवाइड किया? डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को किसमें डिवाइड किया? सिटीज में. तो जो ये सिटीज है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लस्टर को. और फिर उन सिटीज से जाकर मैंने सिंपल रैंडम सैंपलिंग के थ्रू, वहां पे भी मैंने कौन सी सैंपलिंग अप्लाई? सिंपल रैंडम. वहां पे मैंने सिंपल रैंडम सैंपलिंग के थ्रू मैंने ऑब्जर्वेशन या सैंपल को चूज किया. पूरी पॉपुलेशन नहीं चूज कर सकता भैया मैं, जहां पूरी पॉपुलेशन चूज करी वहां सैंपलिंग का लॉजिक ही नहीं रहा. तो मैंने उसमें से कुछ सैंपल को ड्रॉ कर लिया, तो उसको हमने क्या नाम दिया? क्लस्टर सैंपलिंग. क्लस्टर सैंपलिंग में हमेशा ध्यान रखना, किसी बड़ी या इनफाइनाइट पॉपुलेशन को हम छोटे छोटे किसमें डिवाइड करते हैं? ग्रुप्स में. आप बेटा स्टैटिफाइड से, स्टैटिफाइड से देखो, स्टैटिफाइड करोगे तो नहीं, नहीं एक मिनट छोड़ देना, एक पहले उसका क्वेरी सॉल्व करने को पूछो. देखो होमोजेनस है, यहाँ हेट्रोजेनस आपने गलत बोला. क्यों? क्योंकि मेरा टॉपिक क्या था? कितने लोग फेवर या डिस्फेवर?